हम नशी ओ हम नशी, छूले मेरे दिल की जमीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। तुम्हें सिलाई बहुत अच्छी आती है ना, और कपड़ों पे फूल भी बना लेती हो। मैं टांकी से टांका बहुत अच्छा लगाती हूँ। और तुम क्यों पूछ रही हो? क्या देखो, ये कपड़े कान लेकर आए, इसके छोटे छोटे कपड़े सीने हैं। उसने मुझे काम करने से मना किया ना, वरना मैं खुद ही सी लेती। भाभी पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारी घर में अब बिला के सुकून आ ही गया था, तो क्या जरूरत थी उस नागिन को वापस बुलाकर अपने सीने पे बिठाने की? लाला से कहो ना कि वो उसका शेर में ठिकाना लगाते। सनोबर सनोबर, हम जैसा समझते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कान कमजोर दिल पैंक इंसान नहीं है, वो कजस्ता को वाकई अपनी बहन समझता है। आ तो बहन भी तो उन्हें भाई समझे ना। अब तुम देखना वो आकर करती क्या है। कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे दरक इसके लिए पागल होता जा रहा है। दाजी बता रहे थे, मुझे तो लगता है इसी महीने दोनों की शादी भी हो जाएगी। तरखसोई इसके पीछे पागल है और मैं तरखसोई के पीछे पागल बन गई हूं। जिसे काट गई उसे मौत वाजिब हो जाएगी। क्या सोच रही है? देखना कान खुद लेकर आया। कैसा? बिना हुआ तो अच्छा है, पर अब इसे काट कर ही पता चलेगा कि इसका टांका कहाँ लगाना है। हाँ, क्या देखिए इसके साथ सही है कि इसके साथ? आपको क्या लगता है अंकल, वो लड़की इतनी मासूम है? जो लड़की पूरी कॉलेज के सामने स्टेज पे खड़े होके इतना सब कुछ कह दे, उसको कोई फंसाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो है। उसने बहुत ही चालाकी से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है। इसे चालाकी नहीं बेटा, अकल कहते हैं। वो ऐसे फोरम पे बोली है जहां उसकी आवाज दबेगी नहीं। MS ने किस तरह नोटिस लिया था देखा तुम? That's what's worrying me. अगर ये बात बार बार इस तरह उठेगी तो इस पे दोबारा इंक्वायरी बैठेगी। जो भी बच्चे इसमें मुलव्वस थे वो दोबारा इन्वेस्टिगेट होंगे और सच छुप नहीं पाएगा। क्या? कैसा सच? बताएं, आप लोग कुछ जानते हैं क्या? बेटे तुमसे क्या छुपाना है? वार्डन को कॉल हसन ने की थी हादी के फोन से। चलो इवन इफ हम मान लेते हैं कि भाई ये आपस में फ्रेंड्स ने कोई प्रैंक किया था, बट स्टिल इफ देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन तो मेरे दोनों बच्चे फंसेंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हसन को हॉस्टल के अंदर की सिचुएशन कैसे पता चली। सिगरेट चाहिए, ड्रग्स बिचवाएंगी, इसे तो लगता है कोई और भी साथ मिला हुआ होगा। I'm sure, लेकिन हसन तो कुछ बता ही नहीं रहा ना। देखिए, खजिस्ता की दोस्त बिया ने सिगरेट की बात की थी, तो हो सकता है कि वो खजिस्ता के रिजल्ट से बहुत ज्यादा जेलस हो गई हो और उसने ये सारी गेम की हो। और ये भी मुमकिन है कि हसन के पिछले रवैये की वजह से हसन को यूज किया हो, वरना अगर वो पकड़ी जाती तो सारा मलबा उसी पे ही आता। तो इस पे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? क्या सोचें, सोच सोच के दिमाग खराब हो गया। देखिए अंकल,
आप लोग वार्डन से बात करें, उनको कहें कि हादी का नंबर फोन हिस्ट्री से हटवा दें। इस तरह आपके दोनों बच्चे क्लियर हैं। और वैसे भी खजिस्ता तो है ही नहीं इधर, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। और किस वक्त यूज किया उसको? हादी, प्लीज माय कॉलर हादी, आई एम सेइंग ली। देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? हादी, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कर रहे हो ये? कंट्रोल माय सेल्फ। इससे पूछे इसने मेरा फोन क्यों लिया था और किसको फोन किया इसने? हाँ तो पूछ लेते हैं, ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या पूछेंगे रेली, अब तो खुद मिले मैंने इसके साथ। हैरान था मैं, जिस लड़की का नाम आप सुन नहीं सकते थे उसके साथ मेरे लिए रिश्ते के लिए कैसे तैयार हो गए? सोच नहीं सकता था कि आप सब मिलकर मेरे साथ इतनी बड़ी जंग खेलेंगे। हादी, क्यों, कुछ गलत काम है? हाँ, उस लड़की को लैब में आपके नाम से बुलाया गया था, वहां पे कौन था, वहां क्या हुआ, मुझे आज तक पता नहीं चला। फिर इसने मेरा फोन इस्तेमाल किया और आप आए मेरे पास, मुझसे कहा कि हादी बेटा अपना नंबर चेंज कर, जाके झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दो। क्यों हादी, तुम इतना नेगेटिव सोच सकते हो? क्यों, क्या गलत है बताए मुझे? मैं ही अहमक था ना, मैं ही बेवकूफ था जो आप सबके बीच में पागल बन गया। आप जानते कितना ये मुझे यूज करता है, इसमें चुप नहीं है, कुछ नहीं कहा। क्या कसूर था खजिस्ता, बताए मुझे क्या गलती थी उसकी? और जलन, तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच नहीं सकता था। एक लड़की को जेल भिजवाने की कोशिश की इसने, अपने भाई को फंसाने की कोशिश की इसने, अरे मेरी नजरों में गिर गए हो तुम। And you know what?
आज से मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मत कहना मुझे अपना भाई। मरियम है तेरे लिए। और आप सब के लिए पर्दा उठाकर किसी की निगाहें नहीं झुकाना चाहती कि यहां मेरे साथ किसने क्या क्या किया, पर आप इसे मेरी इल्तिजा समझ ले, गुजारिश या दरखास्त कि खुदारा तालीमी इदारों को इलाकाई तासुब से कम इतना तो पाक किया जाए कि कल को अगर कोई बच्चा यहां से मेडल्स लेकर जाए तो मेरी तरह अपनी रूह को जख्मी ना करके जाए। खफगी कैसी? खफगी तो अपनों से होती है। मैं तो यहां से सरफ जा रही हूं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझसे कोई गलत फैसला नहीं हो गया। इस ड्रग केस ने मुझे ये तो सिखा दिया डॉक्टर आदि के मुझे सिर्फ अनपढ़ इंसान नहीं होता, कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो अपनी ताकत के जोर पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर दरगज़े को अपनाने में क्या मजा है? कम से कम मेरी फैमिली तो मुझसे खुश होगी। और मैं मेरा हाथ ऐसे ही छोड़ देंगी? मैंने तामा ही कब था
तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जो हमने अपनी जगह बनाई है सोसाइटी में, ये ऐसे ही बन गई? हादी, वी वर्क फॉर इट. हमारा स्टेटस, हमारी पोजीशन इन सोसाइटी, ये हमारी मेहनत और हमारे तजर्बे की वजह से है. दिल और जज्बात पे तजर्बात नहीं किए जाते मामा. यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन दिमाग जो है ना, वो दिल के ऊपर होता है. सो प्लीज ट्राई एंड यूज योर ब्रेन. अपनी अकल से सोचो हादी. लुक एट अस, लुक एट द लाइफ वी लिव. तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि तुम उससे शादी करके इस घर में ले आओगे, उसकी क्लास चेंज कर दोगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला. हसन, स्टे आउट ऑफ दिस. आदि, यू नीड टू स्टे आउट ऑफ दिस मेस. मामा इज राइट. यू नीड टू रियलाइज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. वरना मुझे क्या फर्क पड़ता तुम उससे प्यार करो या गो आउट एंड पिक समवन फ्रॉम द स्ट्रीट्स. आई रियली डोंट केयर अबाउट इट. शट अप. उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा है तुमने? बिल्कुल कबायली, एक सदी पीछे. और तुम उसके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हो? ये आप कह रहे हैं डैड, जो पूरी जिंदगी बराबरी का दर्श देते आए, एजुकेशन, टैलेंट, हर चीज को आपने पहले तरजीह दी है, आज फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं आप? यस, क्योंकि ये मेरी फैमिली के फ्यूचर का सवाल है. ये क्या किया आप लोगों ने? सगे होकर भी अनजान बने रहे. आप सब जानते थे कि मैं खजिस्ता को पसंद करता हूं, फिर भी यार इतना सब. अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे हाथों की लकीरों में क्या लिखा है, लेकिन तू जानता है. जो मेरे आंख में बेहतर है उसे लिखा रहने दे, बाकी सब मिटा दे. जो पीछे रह गया, जो मैं छोड़ आई, मैं उसे सोचना भी नहीं चाहती. तू ही उस शख्स मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल सकता है जो मेरा कभी था ही नहीं, वो मुझे याद भी ना आए. मैं आदि को याद करके रोना नहीं चाहती. मेरे दिल से उसकी याद बाहर निकाल दे अल्लाह.
बच्चे, बारह तुमसे बात करनी है। السلام علیکم لیلا۔ وعلیکم السلام۔ بھابی پہلے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری گھر میں اب بلا کر سکون آ ہی گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اس ناگن کو واپس بلا کر اپنے سینے پہ بٹھانے کی؟ ساری رات دماغ الجھا رہا ہے، یہ منشیات والا قصہ اصل میں کیا ہے؟ बच्चे मुझे खुलकर बताओ। लाला आपको बता तो दिया था, यकीन नहीं आया क्या आपको? बात यकीन की नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? जब हम रोशनी के लिए दिया जलाते हैं तो उसमें हरारत होती है, उस रोशनी के लिए हमें गर्मी, बदबू सब कुछ सहना पड़ता है। उसी बदबू का तो पूछ रहा हूं, किसी से कोई मुखालिफत वगैरह थी या कोई झगड़ा मगड़ा हुआ था जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? जब असद होती है तो मुखालफत में लोग खुद ही आकर खड़े हो जाते हैं। पर अब मुझे समझ आ गई है, सारे वाकये ने मुझे और मजबूत करते हैं, इस दुनिया की समझ दिलाते हैं। क्या समझ आ गई? मामला भी खत्म नहीं हुआ है, बस वक्ती तौर पर दब गया है। तुम डॉक्टर शहरयार की जमानत पर आई हो। आप फिक्र मत करें, डॉक्टर शहरयार कभी भी इस बात को चलने नहीं देंगे। अभी दाजी और मोर को इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर इंक्वायरी हो गया ना तो मैं इल्जाम अपने सर लूंगा। किस चीज की फिक्र है? अभी मैं जिंदा हूं। मैं पुलिस को बोलूंगा ये मेरा कारोबार था, इससे जबरदस्ती काम कराता था। जरूरत नहीं है तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे, किसी की जरूरत नहीं होगी। जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान ये काम है नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है लाला, आसान कर देंगे इसको। फिलहाल तुम भाभी को देखो, वो तुमको देख रही है, उसका मसला हल करो। भाभी आ जाओ या तुम उधर जाओ। रुको गोले, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई काम है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं, अगर कोई बात हो तो करीब आके कह दिया करो। ऐसे खिड़कियों दरवाजों से लगकर अपनी बारी का इंतजार करना, देखना, झांकना कुछ जेब नहीं देता है। झांक नहीं रही थी मैं। अच्छा, तो फिर ये चुप कर बातें सुनने का मकसद? बीवी अपने शौहर का साया होती है, बेवग्गह दलीस पे देखेगी ना तो चौंकेगी भी और रोकेगी भी।
غیر دہلیز میری بہن کی ہے. کتنی مرتبہ بتایا تم, خیال رکھا کرو. بہن, बात का जवाब दोगे? क्या परेशानी है तुमको? जब से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, घबराई हो, रातों की नींदें भी तुम्हारी उड़ गई हैं, बेचैन रहती हो. हुआ क्या है? क्या तुम यहां वापस नहीं आना चाहती थी? ऐसी कोई बात नहीं, वहम है तुम्हारा. मुझे वहम नहीं है, तुम जानती हो मेरा दिमाग सही चलता है. तो मुझे सच बताओ, क्या परेशानी है? क्यों, तुम क्या करोगे? ये पूछो क्या नहीं करूंगा, अपनी जान तक दूंगा, कभी आजमा कर देखो. डॉक्टर शहरयार से बात कर लिया मैंने, उसको साफ साफ समझा दिया मैंने, जो तफ्तीश करनी है शहर से बाहर करे, अगर हमारे इलाके में आएगा तो छीर के रख दूंगा सबको. डॉक्टर शहरयार को क्यों फोन किया तुमने? क्यों ना करता, शहर वाले लोगों को ऐसे करना पड़ता है ताकि वो इंसान बन कर रहे. और वो डर भी गया था, अब कोई मसला नहीं है. तुम डॉक्टर शहरयार को फोन कर रहे थे तो मुझे बताते, तो तुम पागल हो दरकजाई. हाँ पागल हो, सही कह रही हो, पागल हूं मैं, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूं, दीवाना हूं, और तुम ये बात जानती हो. देखो कुले, मुझे तुम्हारा ये उतरा वो चेहरा पसंद नहीं है, जैसे पहले थी वैसे ही हो जाओ. तुम हर वक्त मुझसे लड़ती थी, तकरार करती थी, बहस करती थी, मुझको वही गुले चाहिए. तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम वैसी हो जाओ. ये छोड़ो, सब परेशानी दूर हो जाएगी. दरख्त है? ये क्या, ये कौन सा दरख्त है? छोड़ो तुम, जब तक अस्पताल नहीं बनता तुम डिस्पेंसरी में बैठ के डॉक्टरी करो. मैं इजाजतनामा ले लूंगा, उनको लाने ले जाने की ड्यूटी मेरी है. तुम परेशान नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना. ये तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? तुम्हारे वास्ते, तुमको पाने के लिए. अंदर जाओ, दिन चढ़ गया, जाओ जाओ, सुकून करो.
आदि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी के साथ, वो भी बच्ची के साथ, इतना गलत कर सकता हूं? मेरी खामोशी की वजह कुछ और थी। बहरहाल मैंने आज तुमको सब कुछ सच सच बता दिया है। और आपने हसन को कुछ नहीं कहा? वो इतना सब कुछ करता रहा और आप दोनों चुप रहे। चुप ना रहते तो और क्या करते, मजबूर थे हम। क्या मजबूर थे? अरे खुदा से डरने लगा आप लोगों को। मतलब कि आपका बेटा किसी की बेटी की रेपुटेशन से, उसके नामूस से, उसके कैरियर से मुस्तकिल खेल रहा था और आप दोनों चुप रहे। अरे चुप कैसे थे आप दोनों? हाथ पैर क्यों नहीं तोड़ दिए उसके आपने? कैसे मां बाप हैं आप? हमने हर हर बार आजमा लिया था, हार गए हम उसके मिजाज के आगे। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट उसे और ज्यादा भड़का रहा था। प्लीज डैड, वजाहतें देना बंद करें। और आप अगर मुझे पहले कह देते ना तो मैं ही खामोशी से निकल जाता। कम से कम किसी लड़की की इज्जत तो खतरे में ना पड़ती। इस सब का मतलब जानते हैं डैड? खुदा का खास करम है खजिस्ता का कि इस तरह दुश्मन के मुंह से बच के निकल गई हो। और मां, बदनसीब तो हम लोग हुए ना, तभी वो रहमत हमारे घर के काबिल नहीं। She